अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पिज़्ज़े की डो की जो रेसिपी है वो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने यानी डाली है वीडियो, ठीक है। तो आज मैं उसका बाकी सेटअप बताऊंगी कि पिज़्ज़े के ऊपर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे रेडी किए जाते हैं और पिज़्ज़े को कैसे रेडी किया जाता है, ठीक है। उसके लिए मुझे ये चिकन बॉयल किया हुआ है मैंने, ठीक है, चिकन बॉयल किया है मैंने और इसको मैश कर लिया, ठीक है। कुकिंग ऑयल चाहिए, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिली सॉस, सोया सॉस, शुगर, क्रश चिली और विनेगर यानी सिरका, ठीक है। इन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमने पैन रखा है, ठीक है, इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला है, जो वन बाउल कुकिंग ऑयल था ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। मेरे पास चिकन थोड़ा सा ज़्यादा है इस वजह से मैंने वन बाउल लिया, ठीक है। आप अपने चिकन के हिसाब से ऑयल रखना है, ओके। चलें अब हम इसमें सबसे पहले चिकन डालेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने चिकन को फ्राई कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं चिकन अभी फ्राई हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, चिकन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम शुगर डालेंगे। ये सोया सॉस डालेंगे। ये चिली सॉस डालेंगे। सॉल्ट और ब्लैक पेपर। हरा मिर्च। और ये हम विनेगर डाल देंगे यानी सिरका, ठीक है। जितना जितना आपने सोया सॉस और चिली सॉस लिया होगा इतना ही आपने विनेगर लेना होगा, ओके। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब 5 से 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, ठीक है, उनका टेस्ट चिकन में आ जाए। क्या आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि चिकन रेडी हो चुका है, ठीक है। ये मिक्सर हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा होगा तब तक हम पिज़्ज़े के लिए रोटी रेडी कर लेंगे, ओके। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, पिज़्ज़े के लिए रोटी रेडी करने के।
ये आप देख सकते हैं मैंने इन दो की ये रोटी बेल ली है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं और हमने तवे को बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, बिल्कुल डेड स्लो पे, ठीक है। तो वो बिल्कुल लाइट सा गर्म होगा तो हम ये डाल देंगे। तो बस हल्का सा हमने इसको लाइट ब्राउन सा कलर देना है। ये आप देख सकते हैं मैंने तवे पे डाली हुई है और ये देखें कैसे से साइडों से फूल रही है, ठीक है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइड चेंज की है, बस इसको बस इतना सा ही पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइट लाइट सा पका हुआ है, बस इसको इतना ही रखना है। अभी दूसरी साइड से थोड़ा सा हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने ये एक प्लेट ली है, मेरे पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है, वैसे तो आप पिज़्ज़ा पैन में ये करते हैं, ठीक है, नॉन स्टिकिंग पिज़्ज़ा पैन मिलता है तो उसमें ये। तो अब मैं इसमें पहले मैंने ऑयल लगाया है, हल्के से ऑयल से पूरे प्लेट को करके, तो फिर अब मैं ये ऊपर हल्का सा मैदा मैंने ये कर दिया है ताकि हमारी डो चिपके नहीं। आप देख सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं जी। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे ऊपर से, ठीक है। ये जो चिकन का हमने पेस्ट बनाया होगा अब हमें ये डालना है। ये हम इसको सारा फिल कर देंगे। आप वेजिटेबल्स का भी बना सकते हैं, ओनली चिकन भी रख सकते हैं। आप चिकन के अंदर वेजिटेबल्स भी ऐसा ही बारीक कटिंग करके वो भी डाल सकते हैं, और अगर सिर्फ आप चिकन रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। जो मेरी फैमिली है उन्हें ज़्यादातर चिकन पसंद है तो इस वजह से मैं सिर्फ चिकन का ही बनाती हूँ। और इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप हमने इसकी सारी फिलिंग कर दी है, पूरी लेयर हमने बना दी है इसको, ठीक है। अच्छा ये आप देख सकते हैं, अच्छा। अब हम अनियन रखेंगे, वैसे तो ऊपर आप शिमला मिर्च भी ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं, टमाटर भी रख सकते हैं ऐसे कटिंग करके, और भी आप जो कटिंग करके रखना चाहें रख सकते हैं। मुझे सिर्फ अनियन ये भी मैंने डेकोरेशन के लिए रखा है, वरना तो मेरी फैमिली को अनियन भी नहीं पसंद, ठीक है। ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, ठीक है। अब हम इसको क्रश करेंगे और इसके ऊपर डायरेक्ट, कुछ लोग पहले ही क्रश करके रख लेते हैं पर वो सारी मेल्ट हो जाती है, तो अच्छे से इसके ऊपर हम लेयर नहीं बना सकते, वो सारी फिर वही बात है कि हर किसी की कुकिंग करने का स्टाइल, रेसिपी सब कुछ अलग-अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर कोई अपने अंदाज से कुकिंग करना पसंद करता है। आप चाहें तो उसको पहले क्रश करके रख सकते हैं,
आप चाहें तो साथ ही साथ ऊपर इसको कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये हमारे पास ऑर्गेनो है, ऑर्गेनो का पाउडर, ये हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा डाल देंगे। अच्छा, कुछ लोगों के पास ओवन वगैरह होता है, उसके अंदर बेकिंग शेकिंग कर लेते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी, ठीक है। जब देखूँगी कि ऊपर से चीज़ सारी मेल्ट हो चुकी है फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। इसमें ये है माइक्रोवेव में कि ऊपर से आपका कलर नहीं आता, ठीक है। आप ओवन वगैरह में रखते हैं तो उसमें आपको ऊपर से कलर आता है क्योंकि ऊपर से हीट पड़ती है, ठीक है। तो माइक्रोवेव में ज़ाहिर ऊपर से हीट नहीं पड़ेगी तो ऊपर से कलर इसका नहीं आएगा। तो मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी।